अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। ग्रोइंग कश्मीर के इस नशस्त में आपका खैर मकदम। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद म्युनिसिपल कम्युनिटी के चेयरमैन पहलगाम से ओवैस नज़ीर। नाज़रीन बिल्कुल आपको बताते चले, मार्च के महीने में इसको इलेक्ट किया गया। नाज़रीन पहली बार ग्रोइंग कश्मीर को इन्होंने टाइम दिया। ओवैस साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया आपने ग्रोइंग कश्मीर के लिए टाइम। शुक्रिया शाहिद साहब, आपका खैर मकदम है। वैसा अगर पहलगाम की बात की जाएगी तो होटल ममालिकान जो हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो हैं टेस्ट यहाँ पे जो हैं दरिया में पाए जा रहे हैं, तो अगर यहाँ की खूबसूरती के जितने तारीफ की जाएंगी उतने कम। वैसा आप अभी तक आपने कौन सा सेटअप लिया है ताकि यहाँ पे जो ये पोल्यूशन है ये कम हो जाए, ताकि यहाँ पे जो ख्वाब है तहसीलदार पहलगाम का भी कि इसको ग्लोबली टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, तो उसके लिए कौन से इकदाम अब तक आपने उठाए हैं? देखिए, हमारी जो नोट्स में जो भी आता है कि कहीं पे मतलब जो हमारा लिदर नाला है यहाँ पे वो पोल्यूट हो रहा है या कोई और जगह पोल्यूट हो रहे हैं, तो हम उसमें फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो उसके खिलाफ़ एक्शन करते हैं। तो हमारे मतलब नोट्स में आज तक अभी तक फ़िलहाल तो कोई नहीं आया कि यहाँ पे लिदर पे या कहीं पे भी अगर हो भी जाता है कहीं पे, तो हम उसके खिलाफ़ फ़ौरी तौर पे एक्शन लेते हैं। ओवैस साहब, जब से आपने यहाँ पे ओहदा संभाला है तो टूरिज्म को आप यहाँ पे किस लिहाज से देख रहे हो? देखिए, जो यहाँ पे पहलगाम में ये वर्ल्ड फेमस टूरिज्म रिज़ॉर्ट हैं, तो टूरिस्ट यहाँ आके सेटिस्फाई भी होते हैं कि सच में यहाँ पे जन्नत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक अलग लेवल पे ले जाए, पहलगाम में जो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया जाए, टूरिस्ट रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है वो बढ़ा उसको मतलब एनहेंस करे, उसको बढ़ाए। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आए वो यहाँ से खुश होके जाए और अच्छी मैसेज दे आगे। वैसा अगर यहाँ के मकामी लोगों की बात की जाएगी जो घोड़े वाले हैं, तो डिपेंडेंट हैं टूरिज्म पे, तो जो टूरिस्ट का सीज़न होता है उस पर वो ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि उनका रोज़गार उसी से चलता है। तो जनरल पब्लिक के लिए आप कौन सी मैसेज पहुँचाना चाहोगे, क्योंकि कश्मीर में अभी अगर हम टूरिज़्म के हवाले से बात करेंगे 0% क्राइम यहाँ अगेंस्ट टूरिस्ट है, तो जो पहलगाम का आवाम है हमेशा मेहमान नवाजी में अव्वल दर्जे पे रहे हैं, तो कोई ख़ास मैसेज जो आप पहलगाम के आवाम तक पहुंचाना चाहोगे? देखिए, पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि बहुत सालों बाद जो है कश्मीर में इतना टूरिस्ट आ रहा है। आज भी हम विंटर्स में भी देख रहे थे कि इतना फ्लो टूरिस्ट का नहीं होता था, तो शुक्र अल्लाह का कि इस साल जो है टूरिस्ट बहुत अच्छा रहा है। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी होटल मतलब होटल मालिकान से, घोड़े वाले से, मतलब टैक्सी वाले से, कि टूरिस्ट के साथ हम अच्छे से पेश आते हैं, हमेशा से आते रहे हैं, तो आगे भी हम उनसे अच्छे से पेश आए। और जो हमारे होटल वाले हैं वो मतलब विंटर्स में टूरिस्ट को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है वो हीटिंग की वजह से, या किसी होटल में हीटिंग की नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम वो हीटिंग मतलब फैसिलिटी बढ़ाए। घोड़े वाले जो है वो भी जो विंटर्स के लिए उनके मतलब उनको क्या ठीक लगता है जिससे टूरिस्ट सेटिस्फाई हो, जो टूरिस्ट आगे जाए वो अच्छा मैसेज दे के जाए। तो बाकी जो ये तो हमारा कश्मीर जो है वो पूरा कश्मीर, चाहे पहलगाम हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे कोई भी जगह हो, हम मेहमान नवाजी के लिए माने जाते हैं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं, और इंशाल्लाह ये बरकरार रहेगा। वैसे भाई, कोविड-19 की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, तो इस सिलसिले में आपने यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई मीटिंग की है? क्योंकि जो हमारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो वो देश के मुख्तलिफ रियासतों से आ रहे हैं और साथ साथ फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो अभी तक आपने इसके लिए कोई सेटअप उठाया? क्योंकि कोविड-19 की तीसरी लहर का असर जो है शहर श्रीनगर में 5-6 इलाकों पर जो है खास नज़र आ रहा है। अभी अगर हम बताएँगे कि अल्लाह का शुक्र है कि अनंतनाग इस वक्त अनंतनाग में सबसे ज़्यादा रिकवरी है और 100% कोविड वैक्सीन यहाँ पर हो चुके हैं, तो ओवैस भाई हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई मीटिंग की है कि अगर हम देखेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसे हो अनंतनाग में रेट अपराइज हो, तो यहाँ पे जो टूरिस्ट सीज़न है अगर ये रुक गया तो यहाँ के पहलगाम के लोग जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना 2019 में भी करना पड़ा, 2020 में भी, 2018 में भी, तो आपने अभी तक कोई इकदाम इसके लिए उठाया है ताकि यहाँ पे जो टूरिस्ट सीज़न है कंटिन्यू रहे, ताकि यहाँ के लोगों को जो है रोज़गार पर कोई असर ना पहुँचे? देखिए, पहले ये बदकिस्मती की बात है कि जो कोविड है अभी तीसरे साल से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो रही बात पहलगाम की, तो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से बात हम कंटिन्यूअसली करते रहे हैं। तो हमने जो है जो एंट्री पॉइंट है, एक ही एंट्री पॉइंट है पहलगाम का जो लांगनबल से आता है, हमने नुनवन में जो है एक कैंप लगाया है जहाँ पे हर कोई जो टूरिस्ट आता है, चाहे वो लोकल टूरिस्ट हो, श्रीनगर से आता हो, कोई आउट ऑफ मतलब स्टेट्स यूटी से बाहर जो भी आता हो, तो उनको बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ पे पहले
कोविड टेस्टिंग होती है, तो उसके बाद ही उनको एंटर करने देते हैं पहलगाम में। तो शुक्र अल्लाह का कि अभी तक कोई भी केस हमें, मतलब अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं मिल रहा है। इक्का दुक्का जो भी अगर आता होगा कोई, तो उनको या तो क्वारंटाइन करते हैं या तो पहलगाम में एंट्री उनकी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पहलगाम के रोज़गार पे कोई असर पड़ने नहीं देंगे, ओएस का कहना था, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट से पहले एक मीटिंग हुई है और नूनवनम में एक मेडिकल कैंप लगाया गया है जहां पे बाज़ाब्ता तौर पे कोविड 19 का टेस्ट किया जा रहा है। ले चलते हैं जस अपने साथी मंजूर के साथ, मैं शाहिद ग्रोविंग कश्मीर के लिए पहलगाम से।